शिवराज ने नेहरू पर लगाया देश तोड़ने का आरोप, बोले पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाएंगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। शिवराज ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को भगवान ने देश में बुराई खत्म करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेहरू ने देश को तोड़ने का पाप किया। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेता बार बार जल्द ही पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीओके को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार पीएम चुने जाने पर मोदी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस ले लेंगे। इसके साथ ही शिवराज ने भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की कश्मीरी नीति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी देश को एक साथ लाएंगे, शिवराज सिंह ने कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दक्षिणी दिल्ली भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिदूड़ी के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक साथ लाएंगे। शिवराज ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को भगवान ने देश में बुराई खत्म करने के लिए भेजा है। उनके मार्गदर्शन में देश समृद्ध हुआ है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस और नेहरू ने देश को तोड़ा, शिवराज ने कहा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और नेहरू ने देश को तोड़ने का पाप किया। यदि नेहरू ने 1947 का युद्ध नहीं रोका होता तथा इसे 3 दिन और जारी रहने दिया होता तो आज पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता और कोई पीओके नहीं होता। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेता पीओके को लेकर बयान दे चुके हैं। पीओके भारत का हिस्सा है, अमित शाह ने कहा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पीओके की मांग ना करिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? राहुल गांधी को बताना चाहिए कि पाकिस्तान के सम्मान की बात करके उनकी पार्टी के लोग क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाई।